बहुत वक्त पहले मैंने जेनिफर लॉरेंस स्टारर थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो को रिव्यू किया था, जिसका रिव्यू भी आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस मूवी को सिर्फ 5.5 रेट किया था, क्योंकि इस मूवी में रशिया और यूएसए के स्पाई लाइफ के बारे में कम, बल्कि एक सिंगल स्पाई के बारे में, यानी कि एक सिंगल स्पाई के लाइफ के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। अगेन, मूवी में ये प्रॉब्लम नहीं थी, मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमें उस स्पाई के लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, मगर उसमें से 70-80% सिर्फ ये होता है कि शी इज डूइंग सेक्स 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 एंड सेक्स, नथिंग एल्स। और सिर्फ 20-30% हिस्सा ही मूवी का ऐसा होता है जो कि थोड़ा थ्रिल और थोड़ा सस्पेंस से भरा हुआ था। इसलिए कहीं ना कहीं मैं रेड स्पैरो मूवी में डिसअपॉइंट हुआ था। एना मूवी भी कुछ ऐसा ही स्पाई कम असैसिन स्टोरी पर बेस्ड है, मगर कहीं ना कहीं ये रेड स्पैरो से काफी हटकर है, यानी कि काफी अच्छी है। अगेन, ये मूवी भी सेक्स के बारे में थी, मगर सेक्स के अलावा काफी कुछ था इस मूवी में देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एना मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 21 जून 2019 को, और ये रिलीज हुई सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। स्टोरी फॉलो करती है एना नाम की लड़की के इर्द गिर्द। पहले हम इनके लाइफ में जानते हैं और बाद में देखते हैं कि कैसे रशियन केजीबी इनको हायर करती है अपने काम करने के लिए। अब जहां पर रशियन स्पाई है वहां पर अमेरिकन स्पाई होना जाहिर सी बात है। अब एना इन रशियन और अमेरिकन एजेंसीज के बीच झूल रही है, मगर असल में ये है किसके साइड, रशियन या अमेरिकन, और आखिर एना चाहती क्या है, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली थ्रिलर मूवी जिसका नाम है एना। You'll never make it out of here. Hi. What's your name? मूवी की सबसे अच्छी बात है मूवी का स्टोरी प्रेजेंटेशन। मूवी काफी बार अनलिमिटेड टाइम्स पास्ट और प्रेजेंट में स्विच होते रहती है। अब इसकी वजह से दो चीजें होती हैं। पहला तो आपको स्टोरी सडनली मालूम नहीं पड़ती है, उस स्टोरी का एक फ्रैक्शन आपको बताया जाता है, फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है और फिर आपको पास्ट में लेके जाया जाता है और बताया जाता है कि अभी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो होता ऐसा है कि आपको सस्पेंस में रखा जाता है, वो सस्पेंस खोला जाता है, फिर आगे स्टोरी बढ़ती है, सस्पेंस रखा जाता है, फिर पास में जाके सस्पेंस खुलता है। तो ये कहीं ना कहीं मूवी में मेरा इंटरेस्ट बना रही थी। नॉर्मली हम स्पाई मूवीज में देखते हैं कि ज्यादातर अगर कोई फीमेल स्पाई है तो उसका मेन टैलेंट होता है किसी के साथ में सेक्स करना, या उसको सेक्सुअली अट्रैक्ट करना, सेक्सुअली उसको फंसाना और या तो उससे चीजें उगलवा लेना या तो फाइनली उसको मार देना। रेड स्पैरो मूवी में ये कुछ हद से ज्यादा था। हाँ, इस मूवी में भी है मगर काफी लिमिटेड है। एक दो सिचुएशंस में ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से ये इसी की वजह से किसी से मिलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें वो सेक्सुअल सीन देखने को नहीं मिलता, हमें कुछ और, यानी कि एक स्पाई चीज या एक तरीके से असैसिनेशन देखने को मिलता है। एंड अल्टीमेटली एना क्या चाहती है, ये कहीं ना कहीं आपका मूवी में इंटरेस्ट बना के रखता है, क्योंकि रेड स्पैरो का अगर मैं बात करूं तो उसमें पता होता है कि जेनिफर लॉरेंस कहीं ना कहीं अपने अंकल से परेशान रहती है एक्सेट्रा, एंड शी वॉन्टेड रिवेंज फ्रॉम हिम। बट इसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता कि यार आना क्या करेगी, आई मीन लाइक विल शी बी विद अमेरिकन या फिर वो रशियन के साथ में रहेगी, क्योंकि वो किसी के भी साथ में रहे लाइफ उनकी उतनी अच्छी नहीं होने वाली। सो हाउ विल शी प्रोबेबली एस्केप, और एस्केप करेंगी तो कैसे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर एस्केप करेंगी भी तो शी इज अ स्पाई, समबडी समवेयर सम टाइम विल फाइंड हर। सो दिस मूवी वॉज नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, आई मीन लाइक 20-30% था, बट उसके अलावा सस्पेंस और थ्रिल इस मूवी का बहुत ही जबरदस्त था। एक और बात जो इस मूवी की बेहतर थी वो ये कि हम जब स्पाई के बारे में जानते हैं, स्पाई कम असैसिन के बारे में जानते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पास्ट में इनकी लाइफ कैसी थी, और ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा हादसा हो उनके साथ में या कोई टॉर्चर करता था, इनकी एक नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल उदास सी लाइफ थी। हाउ समबडी अप्रोच था, हाउ शी गॉट इन टू द केजीपी, उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई, हमको पहले स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि she is probably the dangerous person, and then we get to know the other side of Anna, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा depressing होता है। So basically the script writer and the director wanted us to connect with Anna. I mean पहले इनका negative side दिखाया जाता है, बाद में इनका weak side दिखाया जाता है, so हम सोचते हैं okay fine, I mean ये सब इसलिए कर रही है, so she has that ultimate objective, I mean fine यार इसने इतना कुछ सहा है, so कहीं ना कहीं हम Anna से connect होते हैं, and especially उसी की वजह से हमारा मूवी में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। इन सब चीजों में ऐसे मोमेंट्स भी थे मूवी में कि थोड़े ऑड लग रहे थे। फॉर एग्जांपल केजीबी किसी को भी उठाकर एक स्पाई या एक स्पाई का असैसिन बनाने की सोच लेती है, वो चीज मुझे कहीं ना कहीं खटकी। आई मीन एना का कोई भी ऐसा लिंक या कुछ ऐसा स्पेसिफिक था नहीं,
एक लिंक था जो कि मैं स्पॉइलर की वजह से बताऊंगा नहीं, बट आई डिडंट थिंक कि वो एक जरूरी लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जो चीजें उनके लाइफ में चल रही थी, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उनको अप्रोच करना चाहिए था, यू नो, स्पेशली एक असासिन बनने के लिए। तो हाँ, एक दो मोमेंट ऐसे थे मूवी में जो कहीं ना कहीं मुझे खटक रहे थे। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद में ऐसा लगा कि मूवी एक्शन पैक्ड होगी, स्पेशली इम्प्रेसिव एक्शन पैक्ड होगी। आई मीन, एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि एना एक फीमेल जेम्स बॉन्ड टाइप की कैरेक्टर पेश होंगी इस मूवी में। कहीं ना कहीं पे एक्शन डिसेंट है, बट पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जिन्होंने एना का कैरेक्टर प्ले किया है वो पूरे तरीके से एना के कैरेक्टर के साथ में जस्टिस नहीं कर पाई, स्पेशली व्हेन शी वाज फाइटिंग। जो यू नो एक स्टाइल होता है फाइट करने का, नॉर्मली जैसा हमने जेम्स बॉन्ड मूवी में देखा है उनको स्टाइल दिया जाता है, उनका फेशियल लुक होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जब ये एक्शन में तो ठीक थी वो, बट जब एक होता है कि यू नो इम्प्रेशन मारना होता है फाइनली किसी को मारने के बाद में, वो इम्प्रेशन कहीं ना कहीं मुझे एना का कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे कमजोर लगा। मूवी एना को स्टार्टिंग में एक स्पाई के तौर पे दिखाती है और तुरंत इनको एक असासिन बना देती है, और इतने मर्डर्स होते हैं, लाइक इसको मार दे रही है, उसको मार दे रही है, एंड देन सडनली वी सी लाइक शी इज समवेयर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लाइफ। उनको एक यू नो एक दूसरी लाइफ जीती है, लाइक लाइफ ने उनके सामने जो थ्रो किया शी पिक्ड इट अप एंड शी एडजस्टेड विद इट, एंड एक पल के बाद में उनको अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ इन दिस फील्ड एंड आई वॉन्ट टू मूव ऑन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। मगर स्पाई की लाइफ है, शी कैन नॉट डू दैट एंड शी प्लान्स समथिंग। अब वो क्या प्लान करती है वो इस मूवी में आपको हुक करके रखती है। आई मीन, ओवरऑल कहूं तो ये मूवी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो स्पाई बनेगी, बन जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो असासिन बनेगी, बन जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ एक पल के लिए बहुत बेकार होगी, लेकिन होती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी लाइफ एक पल के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, मगर हो जाती है। मगर अगेन, इतना सब कुछ होने के बाद में, अचीव करने के बाद में, आई मीन लाइक लाइफ जो भी थ्रो करती है वो पिकअप करती है, एंड सडनली एट द एंड पॉइंट ऑफ द मूवी वो डिसाइड करती है कि नहीं, इट्स टाइम कि अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, एंड शी स्टॉप्स पिकिंग अप व्हाटएवर लाइफ थ्रोस एट हर एंड स्टार्ट्स मेकिंग डिसीजन कि नहीं यार, अब मैं डिसाइड करूंगी मुझे क्या करना है, एंड शी प्लान्स अकॉर्डिंगली। सो देयर वाज अ लॉट मच मोर टू द स्टोरी इन एना देन व्हाट वी एक्चुअली सॉ इन रेड स्पैरो। पूरी मूवी में कहीं पर भी कोई डल मोमेंट नहीं था, मूवी कहीं पर भी आपको बोर नहीं करती। सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन से ये मूवी आपको डेफिनेटली हुक्ड रखती है, और एना का किरदार निभाने वाली सासा लस डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इस मूवी से इम्प्रेस करती है। सो ओवरऑल कहूं मेरी तरफ से इस मूवी के लिए डेफिनेटली हाँ। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 6.5 out of 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू मूवी एना का। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।